नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज ये न्यू बलेनो जो फेसलिफ्ट की गई है गाड़ी, डेल्टा मॉडल, तो उसी के इंफोटेनमेंट सिस्टम का रिव्यू है ये। तो इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। इंस्पायर है, अर्टिगा इंस्पायर है ये इंफोटेनमेंट सिस्टम। इसके फीचर्स जो है अर्टिगा वाले इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि VXI में दिया गया है, वही फीचर्स आपको इसमें भी मिलते हैं। अर्टिगा वाले फीचर्स ही आपको इसमें भी प्रोवाइड किए गए हैं। न्यू अर्टिगा में जो इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, वही इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको भी इसमें मिलेगा देखने को, और वही फीचर्स दिए गए हैं इसमें, और इसी का रिव्यू करेंगे इस वीडियो में। जैसा कि इसमें आपको ऑडियो कंट्रोल्स और फोनी कंट्रोल्स स्टेयरिंग व्हील पे दिए गए हैं, ऑडियो कंट्रोल्स, फोनी कंट्रोल्स, और साथ में ही आपको टिल्ट स्टेयरिंग दिया गया है जो कि अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं आप। टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग नहीं दिया गया है इसमें, और इग्निशन की आपने देखी है, रिमोट की मिलती है आपको दोनों ही। पिछले वीडियो में देखा ही होगा, मेरा जो पिछला वीडियो था उसमें पूरा रिव्यू किया गया है मैंने किया है मैंने इसका, और इसमें मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने नहीं देखा है तो। बलेनो डेल्टा मॉडल का रिव्यू, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसके फीचर्स जो हैं, आपको पहले तो ये वाला बटन जो दिया गया है, टच बटन दिया गया है इसमें। इंफोटेनमेंट सिस्टम 2D टच स्क्रीन नहीं है, टच बटन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। तो यहाँ से आप इंफोटेनमेंट सिस्टम को ऑफ कर सकते हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम को, और यहीं से आप ऑन भी कर सकते हैं। तो दोनों फीचर्स दिए गए हैं इसमें ऑन ऑफ के, इसमें ये वाले बटन से, और ट्रैक को ट्यून कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, यहाँ से वॉल्यूम को कम कर सकते हैं। तो ये वॉल्यूम का बटन दिया गया है इसमें, टच बटन दिया गया है वॉल्यूम का। तो इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको पूरा ब्लैक पियानो फिनिश के साथ दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छी लुक देता है देखने में। और इसमें आपको रेडियो मीडिया प्लेयर के बटन दिए गए हैं FM AM के लिए, ये देखिए अब FM पे आ गया, पहले AM पे था, इसको प्रेस करेंगे तो ये FM 2 पे आ जाएगा। एक बार प्रेस करेंगे, प्रेस करेंगे तो फिर ये AM पे आ जाएगा। तो यहाँ से FM और AM दोनों चला सकते हैं, यानी रेडियो और FM। और इसमें आपको CD प्ले करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है, CD प्ले नहीं कर सकते इसमें। और ये मीडिया प्लेयर का बटन दिया गया है इसमें, जैसा कि आप ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। USB ऑक्स के ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, और चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है 12 वोल्ट का। आप मोबाइल कनेक्ट करके अपने मनपसंद गाने सुन सकते हैं आप। ब्लूटूथ का कंट्रोल जो है अब यहाँ पे भी दिया गया है, स्टीयरिंग व्हील पे भी, और ये सेटअप का बटन दिया गया है। तो हमें चैनल को सेट करना है, तो कैसे करेंगे? ये चौथे नंबर वाले बटन से सेट करना पड़ेगा हमारे को। उससे पहले हम FM में चला देता हूँ, FM 2 पे चलते हैं। FM 2 पे आ गए, और उसके लिए आपको ट्रैक चेंज करना पड़ेगा, यानी कौन सा चैनल आपको चाहिए। तो जैसा कि ये एक सौ सात दशमलव दो, तो इसको सेट करना है, उसके लिए आपको इसको प्रेस करके रखना पड़ेगा। तो 107.2 को हमें सेट करना है 2 पे, तो 2 वाला बटन दबाएंगे तो देखिए 2 पे सेट हो चुका है, 107.2, ये 2 पे सेट हो चुका है। तो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, देखिए 107.2 तो हमने 2 पे सेट किया था, तो ये देखिए 2 वाला बटन दबाएंगे तो ये 2 पे सेट हो चुका है। तो ऐसे ही सारे चैनल सेट करने पड़ेंगे आपको, और ये फिर बैक हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, वापस चला जाता है। फिर ये इसमें आपको फिर दोबारा आपको जैसे चैनल सेट करना है, तो देखिए इसको 105.6 को हमें 3 पे सेट करना है, तो प्रेस
पहले तो हमें इसको ही प्रेस करना पड़ेगा उसके लिए, एक सेकेंड। FM पे आ गए, तो हमें सेट करने के लिए क्या करना है, इसको दबाना है। कुछ सेकंड तक इसको दबाएंगे तो ये 103.5 को हमें 2 पे सेट करना है, तो 2 पे सेट कर लेते हैं। देखिए 2 पे सेट हो चुका है, देखिए 103.5 ये 2 पे सेट हो चुका है। अब ये देखिए 103.5 2 पे सेट हो चुका है, तो ये वाला बटन दबाएंगे तो ये इस पे सेट हो चुका है, और इस पे छोड़ देंगे तो फिर वापस चला जाएगा ये। कुछ सेकंड इसको छोड़ दीजिए, देखिए वापस चले गया। और अगर दोबारा आपको उस चैनल को सेट करना है तो फिर क्या करेंगे, फिर इसी के ट्रैक को चेंज करेंगे। सारे चैनल को आप सेट कर सकते हैं एक एक करके। और ये ऑटो सर्च का बटन है, इससे भी आप ऑटो सर्च कर सकते हैं अपने चैनल। ऐसे आपके चैनल जो है ऑटो सर्च हो जाते हैं, और यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं। ये डिस्प्ले का बटन है, तो ये 6 नंबर वाला डिस्प्ले का बटन है, ये इस पर भी आप सेट कर सकते हैं चैनल को। जैसे कि हमें 102.6 आया था अभी, अभी दोबारा दिखाता हूँ मैं, 102.6 जो हमें सेट 6 पे सेट कर लेते हैं। देखिए सेट 6 पे सेट हो चुका है, 102.6 जो है 6 पे सेट हो चुका है। देखिए ये वाला बटन दबाऊंगा तो यही आएगा। तो ऐसे ही आपको सारे चैनल सेट कर सकते हैं आप। अब मैं उसकी वॉइस क्वालिटी दिखा देता हूँ फुल वॉल्यूम करके। सो फ्रेंड्स, आपने इसकी वॉइस क्वालिटी भी देख ली, फुल वॉल्यूम कर दिया था मैंने इसकी वॉइस क्वालिटी दिखाने के लिए, कैसी वॉइस क्वालिटी है इसकी फुल वॉल्यूम करके। और यही था रिव्यू जो फीचर्स से मैंने बताया आपको बलेनो डेल्टा मॉडल के। ये रिव्यू अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए साथ के साथ, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।